मैं इतनी प्राउड हूँ अपनी मॉम के लिए क्योंकि मेरी मॉम शी इज़ एन ओवर अचीवर फर्स्टली एंड मेजरली आई एम मोर प्राउड ऑफ हर बिकॉज शी इज़ गॉन थ्रू टू नर्वस ब्रेकडाउन्स एंड शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इलनेसेस एंड शी इज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रामा थ्रू आउट हर लाइफ एंड शी हैज़ इमर्ज्ड एज अ विनर. उसके बावजूद उन्होंने इतना काम किया है हर क्षेत्र में. हिंदी लिटरेचर में उन्होंने पिक्चरों में के लिए लिखा है, उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है, उन्होंने एड्स लिखे हैं कितने सारे, उन्होंने किताबें पब्लिश की हैं, वो एंकर हैं, वो पहले बचपन में म्यूज़िक जागरण करते थे, अभी उनका शो नंबर वन है उनकी शहर उनकी कैटेगरी में. शी हैज़ एक्सेल्ड इन एवरी फील्ड शी हैज़ एंटर्ड एंड आई जस्ट कीप ट्राइंग टू मैचिंग अप टू माई मदर बिकॉज मैं कभी भी अपना काम दिखाती हूँ तो वो बोलती हैं हाँ बेटा थोड़ी कमी रह गई है. तो आई थिंक आई एम स्टिल यू नो शी इज़ माई ड्राइविंग फोर्स, शी कीप्स पुशिंग मी फॉरवर्ड. जी देखिए मेरी मदर ना कभी भी मेरी मदर कभी भी मुझे प्रीच नहीं करती. सो इवन आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू टॉक. आई कांट प्रीच. आई थिंक आई कुड बी समटाइम्स बट नॉट मेनी. आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट. तो मेरी मदर खुद इतनी डिसिप्लिन्ड है लाइफ में कि उनको देख के आदमी अपने आप डिसिप्लिन हो जाता है. क्योंकि मैं शूटिंग से भी आ जाऊँ अगर सुबह 4 बजे भी शूटिंग करूँ तो आई स्टिल गेट अप एट 6. आई डू माई रूटीन एंड देन जो भी इवन हैव टू स्लीप बैक आई स्लीप बैक. सुबह 6 बजे उठ जाएंगी, उनका योगा करेंगी, उनका मेडिटेशन करेंगी, वॉक करेंगी, उसके बाद में उनका पूजा का कुछ आधा पौने घंटे का टाइम है, फिर वो ऑफिस चली जाएंगी, फिर मैं साथ में ऑफिस चली जाऊँगी, मैं जिम जाऊँगी. सो उसके बाद में उनका सोशल मीडिया पर बैठने के लिए भी उन्होंने डेडिकेटेड आधा घंटा टाइम दिया हुआ है. You know, at 9:30 she will sit on her social media. 10 o'clock she's off to bed. So unko dekh ke she's set an example. She set a benchmark in our house. Aur agar mujhe kisi bhi tarah ki matlab mujhe kuch samajhna hai, unka literature ka knowledge itna strong hai, unki hindi itni qabil-e-tareef hai, unki jo knowledge hai itni vast hai, main hamesha unse poochti rehti hu, seekhti rehti hu. So that itself is a motivator. Unko mujhe बोलने पुश करने की ज़रूरत नहीं है. आई जस्ट फील दैट आई हैव नॉट अचीव्ड माई टारगेट्स येट बिकॉज उन्होंने इतनी एक्सीलेंस देखी है लाइफ में. सो आई जस्ट ट्राई टू कीप लेवलिंग अप इन माई ओन लाइफ. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सुमित. सुमित आप बड़े पॉपुलर हो गए हो है ना सर. नहीं वही हाँ बोलो. आज दो बुक्स का लॉन्च है. आज दो बुक्स का लॉन्च है. एक मेरी मदर ने लिखी है जो है कामिनी ऐसी ही है. आई थिंक एक जिंदगी में आपके पड़ाव आ जाता है जब आप बोलते हैं देखिए भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, टेक इट और लीव इट टाइप. दिस इज नॉट टेक इट और लीव इट बट दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट दिस इज हु आई एम एंड माई मदर हैज रिटन अ बुक एंड आई थिंक राइटिंग इज हर बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन. एक किताब उन पर लिखी गई है अनिल बोधे जी द्वारा जो मराठी साहित्य के बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं. तो पहली बार मेरी मदर पर किसी ने किताब लिखी है और जो मराठी लिटरेचर के राइटर हैं. सो वी आर हाईली ऑनर्ड एंड वी हैव ऑर्गेनाइज दिस इवेंट इन ऑनर ऑफ श्री अनिल बोधे जी एंड माई मदर हु आर टू प्रोलिफिक राइटर्स. रागिनी आपने अपने बारे में कुछ सोचा कि ऐसा लिखूं कि रागिनी ऐसी है कुछ ऐसा? अगर मैं ऐसा लिख दूंगी तो मेरा एक्टिंग करियर का क्या होगा समय? बिकॉज ये तब होगा जब मैं अपने ऊपर मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस हो जाऊँगी मैं खुद पर डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगी तब मैं बोलूँगी हाँ मैं चाहती. बट आई हैव नेवर बीन रिजिड इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी. मैं हमेशा बोलते ना मेरी मम्मी बोलती है कि तुम बहता पानी बनो. लाइक यू नो जैसे पानी बहता रहता आप बहते रहो, आप जिंदगी के साथ बहो. आप अगर कहीं अटक गए तो बोलते ना जैसे जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ काई लग जाती है. सो आपको बहता पानी बनना पड़ता है. ज़िंदगी किस मोड़ पे आपको कहाँ पर ले जाती है यू नेवर नो. सो जस्ट कीप सेइंग यस, जस्ट कीप पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड जस्ट कीप गोइंग विद लाइफ. रागिनी आपने भी काफ़ी मतलब वो चीज़ें उतार चढ़ाव वो चीज़ें देखी हैं. आजकल आप काफ़ी युवाओं को और काफ़ी लोगों को अपने प्रभावित कर सकती हैं अपने शब्दों से अगर आप सरल शब्दों में कोई किताब लिखें. जी जी देखिए फ़िलहाल मेरी राइटिंग में उतनी स्ट्रेंथ डिवेलप नहीं हुई है. मैं लिखती हूँ और मेरे अंदर ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी मदर को तक वो पढ़ के सुनाऊँ. उनका जितना ट्रांसलेशन का काम है हिंदी टू इंग्लिश वो मैं करती हूँ बिकॉज मेरी मदर हिंदी बहुत अच्छा लिखती हैं एंड शी थिंक्स कि मेरा मेरी इंग्लिश करेक्ट है. सो आई ट्रांसलेट हर हिंदी टू इंग्लिश बुक्स और
तो अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है. लैंग्वेज की पकड़ बहुत ज़रूरी है और राइटिंग में जितनी डेप्थ एज अ ह्यूमन बींग आपको चाहिए वो आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त लगेगा उतना कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए. ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हाउ टू बी शाइनिंग, हाउ टू बी एफर्वेसेंट, हाउ टू बी हैप्पी, स्प्रेड हैप्पीनेस, ये चीज़ें आपके सनोमिनल्स हैं, मतलब पर्यायवाची हैं आपकी, ये सब आप कर सकते हैं. हाउ टू स्माइल ब्राइट, पर्यायवाची आप किसी को बोलोगे आज समेत किसी को समझ में भी नहीं आएगा पर्यायवाची, दे माइट अंडरस्टैंड सिनोनिमस बट या. तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक यू नो हमारी जनरेशन और हमारे बाद में जो जनरेशन आ रही है, मुझे लगता है हिंदी हमारी इतनी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी हमारा ग्राउंड वर्क है हिंदी. और एज एन एक्टर आप अगर थिएटर भी कर रहे हैं, आप हिंदी साहित्य को पढ़ें, आपकी हिंदी इतनी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि एज एन एक्टर आपकी लैंग्वेज पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. और मोटिवेशनल होना मुझे लगता है कि जितना मैं प्रीच कम करूँ उतना बेटर है, क्योंकि प्रीच करना बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं किसी को बोलते ना लेक्चर दे रहा है इंसान, वो मुझे भी पसंद नहीं है. बट हाँ कि आप खुद अगर इतने अच्छे लगोगे तो लोग अपने आप आपसे पूछते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसा क्या किया जो आप ऐसे लग रहे हो, आप ऐसा क्या सोचते हो, आप ऐसा क्या खाते हो. तो लोग मुझसे जनरली पूछते हैं कि आप ऐसा क्या सोचती हैं कि आप इतना खुश रहती हैं, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ. इतने प्यारे दिखते हैं. थैंक यू. ये मैडम ये ऐड कर रहे थे कुछ जैसे कि बुक का नाम है रागनी, ऐसे ही रागनी नहीं है. देखा मैडम कितना इफेक्ट पड़ता है मेरे बातों का. तो बुक का नाम ऐसा है. तो ये जो सिर्फ मैम के बारे में ही है या फिर और भी लोग जो जिनकी टच करती है? नहीं, ये जो कामिनी ऐसी ही है ये उनकी सेल्फ एक्सप्रेशन है. उन्होंने काफ़ी की पुस्तकें लिखी हैं, रंग, अकेली, निर्णय, एक थी चल हट्टू खेल समझने, ये जो व्यंग थी. तो उन्होंने कई तरह की किताबें लिखी हैं. ये जो किताब है कामिनी ऐसी ही है, ये सेल्फ एक्सप्रेशनिज्म एट हर बेस्ट है. शी इज़ एक्सप्रेसिंग अ सेल्फ के मैं आफ्टर यू नो आफ्टर रीचिंग अ स्टेज इन योर लाइफ, जब आपने लाइफ एक्सपीरियंस कर लिए, बच्चे देख लिए, अब हमारे बच्चे हमारी शादियाँ जब जब भी होंगी तो व्हाटएवर, बट सो यू नो यू रीच अ पॉइंट इन लाइफ व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड फॉर अ राइटर आई थिंक राइटिंग अ बुक इज द बेस्ट फॉर्म. मेरी मदर की दो बुक्स हैं जो मेरी अल्टीमेट फेवरेट हैं. वन इज़ निर्णय एंड वन इज़ चल हट तू खेल समझी नहीं. चल हट तू खेल समझी नहीं एक सटायर है, व्यंग है, जो जैसे जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, गरीबों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, कितने लेवल पे घर में भी लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है. तो जो स्पेशली बेसिकली पीपल हु आर लोअर इन पावर, यू नो कितने गेम्स कर दिए जाते हैं, एंड दैट्स हिलेरियस बट इट पुट्स द मैसेज राइट अक्रॉस. एंड निर्णय इज़ अ बुक ऑन शॉर्ट स्टोरीज विच आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस राइट नाउ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू collaborate with somebody and make a good series out of it. So which is about, which I will talk about when the time is right. These are my two favorite books of my mother. And Nirnay Bachchan saab ne release ki thi. Yeah. Ye ek cheez jaldi good news ki baat kar rahi thi aap andar ki, like aapki mom har 4 ghante mein ek good news ki aati hai. Aapki taraf se bhi like we are looking for some breaking news from your side from your aapse zyada I am looking forward to give a breaking news on my career front because I have been doing so many meetings, things are looking up really bright. I have been very fortunate and very blessed to receive a lot of love from every aspect of my life and I you know I just want to cross my fingers and I don't want to talk much. I just hope I keep working as hard as I have. Thank you मैम. वो न्यूज़ तो दी नहीं, कुछ कौन सी घुमा दिया आपने? देख गुड न्यूज़ के कई मतलब निकले. मैं ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहा हूँ. ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब कोई करियर का कोई कुछ ऐसा कुछ आप धमाका कर रहे हैं? फिलहाल किताब की बात करते हैं, करियर की. मेरे प्रोड्यूसर्स, मैं वेट करती हूँ कि प्रोड्यूसर्स अनाउंसमेंट करें ऑनेस्टली, बिकॉज अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई एक्टर जाके पहले अनाउंसमेंट कर दे, है कि नहीं? जैसे बोलते हैं अगर आपका बच्चा कभी पैदा होगा तो आप चाहेंगे कि माँ बाप पहले खबर छापें, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप को बोल ले दो. थैंक यू सर. थैंक यू. और सुमित के सवाल ही नहीं खत्म होते.